नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। कल जो बच्चा क्यूटी क्षेत्र के खिरमा गांव के लैला चौर के डायवर्सन में पैर फिसलने से गिर गया था, उसकी आज बॉडी सुबह 6:30 बजे के आसपास स्थानीय निवासी सानी जी ने ईदगाह के पास जो एक 10 फीट का गड्ढा था, उस गड्ढे के दूर पे उन्होंने अपना एक जाल लगाया था, जहाँ पे वो बच्चा बॉडी जब खुल के बाहर आया तो उसमें उसका हाथ फंसा हुआ था और निकला। ये ईदगाह तकरीबन 750-800 मीटर दूर की तरफ है, जो दूसरे गांव को जाती है। जब ये बच्चा डाइवर्सन पार करके आदमी जाता है, इस बच्चे का नाम फिरोज़ है, ये औसी का रहने वाला था, अपनी नानी के यहाँ पे आया था छुट्टी मनाने, और इनके माँ बाप नागपुर में है। इसके पूरे घर में मातम है, गांव के लोग मातम है, और ये उसका ननिहाल है। देखिए, तमाम लोग आए हैं और उस बॉडी को लेकर के उसके नानी के घर जा रहे हैं और उसके माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं। दरभंगा समाचार तमाम उन लोगों को कहते हैं, बाढ़ का समय है, अपने बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों को संभालिए, अपने घरों में रखिए। कोरोना का भी समय है इस तरीके से, क्योंकि समय जो है वो अभी बहुत ख़राब चल रहा है। ये दरभंगा समाचार से सबका सविनय निवेदन है। काफ़ी दूर जाकर जो है वो बच्चा जो मिला है आज